वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो काफ़ी अच्छी धूप आ रखी थी, मैंने अभी अपने बालों को धोया था और अभी सुखाने के लिए मैं बाहर बैठी थी। वैसे तो मैं नॉर्मली ड्रायर से सुखाती हूँ, लेकिन बाल जो है ना वो ड्रायर से सुखा सुखा के ख़राब हो चुके हैं, तो थोड़ा सोचा आज विटामिन डी ले लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी को भी ज़रूरत होती है। तो खैर ये सब तो होता रहेगा और आज मैं बात करूँगी आपसे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज है मेरी नाइट शिफ्ट और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, 3:30 हो चुके हैं तो मुझे 4 बजे सोना है, तो उससे पहले मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। तो आज मैं बात करूँगी वीज़ा प्रोसेस के बारे में, यानी कि अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी का रिज़ल्ट आया है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी कश्मकश में होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और काफ़ी लोगों के ऑप्शन में यूके भी होगा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आइल्स का एग्ज़ाम जो है, मतलब जो आइल्स पेपर देते हैं इंग्लिश के लिए, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, तो उन्हें ऐसी कंट्री जाना चाहिए जहाँ पे आइल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मुझे पता है ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत कम समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप कम मत समझो, आप सब कुछ कर सकते हो। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि उन स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। तो अगर आपके मन में यूके आने का कोई भी विचार आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं यूके आ जाता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि आपको भी कम टाइम में नॉलेज मिल जाए और मैं भी सो जाऊँ अपनी वीडियो बना के। तो सबसे पहली बात, जो वीज़ा ये प्रोसेस की जो ये जर्नी है, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होती है वो तो आपको पता ही है, क्या चाहिए? पासपोर्ट। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाएं, पासपोर्ट के बिना तो आप आइल्स एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे, तो पासपोर्ट बनवाएं, जल्दी से जल्दी बनवाएं जितना हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है तो इमरजेंसी में जो जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो ले लो, अगर आपके पास काम टाइम काफ़ी है तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें जाएं और अपना पासपोर्ट बनाएं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके मैट्रिक के, आपके प्लस टू के, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन के, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको फ़ोटो स्टेट यानी कि स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटो स्टेट तो नहीं बोलूँगी, स्कैन करवाना, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेने हैं और ये तो इससे पहले कि आप अपना स्कूल छोड़े, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें स्कूल से चाहिए होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आपको एक आपके प्रिंसिपल के थ्रू आपको एक लेटर चाहिए होता है जिसमें कि लिखा होता है कि भाई आप ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जो कि इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश आप अच्छी खासी बोल लेते हो, यानी कि सारा कुछ जो भी आपने अभी तक पढ़ाई की है वो इंग्लिश मीडियम में होता रहा है, तो वो लेटर भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफेंसी लेटर होता है जो कि आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लेटर ले ले, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले ले, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लें, प्लस वन प्लस टू की ले लें, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन की सारी डिग्रीज ले लो, 1, 2, 3 यानी BA1, BA2, BA3 जो भी है आपकी डिग्रीज, जो भी आपने किया है सारी की सारी डिग्रीज, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, तो अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो बनवा लें, बन जितना टाइम प्रोसेस आपका बाकी चीज़ों में लगेगा उतना अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर है, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लें। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने किसी का वीज़ा फाइल अप्लाई की थी, तो उसमें उसको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, तो वो ज़रूरी है। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके फ़ंड्स। मेरा फ़ोन इसलिए हिल रहा है क्योंकि मेरा हाथ दर्द हो गया, मेरे से ना इतनी देर फ़ोन उठाया नहीं जाता, इसलिए मेरा फ़ोन झूल रहा है और मैं भी झूल रही हूँ, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें, जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान दें। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जो उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भाई आपके फ़ंड्स। तो आपको आपके फ़ंड्स दिखाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप अपने अकाउंट में आपको आपको जो फ़ंड है वो मैच्योर करने पड़ते हैं फॉर 28 डेज, तो वो आप डाल लें, कम से कम 20 लाख रुपये तो मैं बोलूँगी कि आप अपने अकाउंट में डाल के रखें, और जिसको 28 डेज तक आप बिल्कुल भी टच ना करें, और उसको आप टच करें तो ऐसे करें कि थोड़ा सा निकालें पैसे उसमें से, थोड़ा सा उसमें वापस डाल दें, यानी कि 100-200 रुपये की जो भी ट्रांजेक्शन है वो करते रहें। इससे क्या होगा कि उनको ऐसे लगेगा कि आपका जेन्युइन अकाउंट है, आप ये पैसे आपने एकदम से नहीं डाले हैं और आप इस अकाउंट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, ये जब आप मैरिड होते हो तो ये आप अपने हस्बैंड के नाम पे आप करा सकते हैं, यानी कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपका हस्बैंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपका फादर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनके नाम पर ये फ़ंड्स होने चाहिए, यानी कि उन्हीं के अकाउंट में ये होने चाहिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, तो आप वो एक करवा लें। इसके बाद होती है आपकी स्टेटमेंट। जब आप अपनी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को निकलवाते हैं, तो प्लीज़ 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 जो गलती अभी हुई है मैं इसलिए बता रही हूँ कि उस स्टेटमेंट में ना
करेंसी लिखी हुई बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया की करेंसी आपको पता है कि रुपीज़ है, तो वो इंडियन है ना INR लिखना होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो पैसे हैं ये कौन सी करेंसी में है। अगर नहीं तो आप यू नो ब्रैकेट में लिखवा सकते हो कि भाई इतना GB बन जाता है ये जो भी अमाउंट है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद आ जाता है आपका वीज़ा फाइल। तो उसके बाद होती है कि जो भी आपका कंसल्टेंट है वो आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई करेगा आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन लेके। तो जब वो अप्लाई करेगा डॉक्यूमेंटेशन लेके, तो उसके बाद आप ऑफ़र लेटर का वेट करें। जब आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाता है, दो तरह के ऑफ़र लेटर होते हैं, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। ज़्यादातर अनकंडीशनल ही आता है, वो थोड़ा ठीक रहता है। तो जब आपके पास वो आ जाएगा, अनकंडीशनल वाला लेटर आपके पास आ जाता है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे अपना वीज़ा फाइल मतलब प्रोसेस स्टार्ट, है ना। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यूनिवर्सिटी को भेज दोगे, सब कुछ हो जाएगा, वो आपका कंसल्टेंट भेजेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आराम से बैठना है, क्योंकि आपने इतने सारे पैसे तो दिए हुए हैं अपने एजेंट को, तो वो एजेंट आपका काम करेगा। जब आप ये सब डॉक्यूमेंटेशन उनको भेज दोगे, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है इंटरव्यू। पहले ऐसे बोलते थे इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अभी रिसेंटली में जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनका वीज़ा प्रोसेस है, थोड़े दिन में आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी कि उसका वीज़े फाइल की मैं बात कर रही हूँ। तो उनका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, ऐसा कहा गया था कि उस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन हुआ था। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप इंटरव्यू की तैयारी ज़रूर ज़रूर करें। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें कि इंटरव्यू कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर यूनिवर्सिटी में नॉर्मली कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, वो पूछते ही पूछते हैं। तो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद वो आपकी स्टेटमेंट मांगते हैं। स्टेटमेंट मांगने के बाद वो क्या करते हैं कि आपका जो कास्ट वगैरह है ना, उसकी फ़ाइल के लिए आप उससे पहले आप करवाओगे मेडिकल। तो मेडिकल आपने जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप दिल्ली में करवाओगे या चंडीगढ़ में करवाओगे, जहाँ पर भी करवाओगे वहाँ से TB का टेस्ट करवाएं। TB का टेस्ट करवाने के बाद उनको फटाफट भेज दो, जो भी चीज़ें आपका कंसल्टेंट बोलते रहता है वो करवा लो। इसके बाद जो चीज़ होती है जिसका हम इंतज़ार करते हैं, वो होता है हमारा कास्ट लेटर। कास्ट लेटर का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास वो आ गया तो आपका आधा काम ऑलमोस्ट हो गया है। कास्ट लेटर आने के बाद आपकी जो फ़ाइल होती है वो एम्बेसी में जाती है। एम्बेसी में नॉर्मली फ़ाइल में टाइम लग जाता है 15 दिन, लेकिन आजकल 1 महीना लग रहा है। तो अगर आपको प्रायोरिटी में जाना है तो आप प्रायोरिटी में भी जा सकते हैं, और अगर आपको प्रायोरिटी में नहीं जाना, आपको नॉर्मल में जाना, आपके पास इनफ टाइम है, तो आप 1 महीना वेट भी कर सकते हैं। तो एम्बेसी में हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाँ वहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाएगी कि भाई आप अपना पासपोर्ट जो है वो मतलब उसकी डिलीवरी चाहते हो या आपने कलेक्शन कराना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि अगर आप जिस एरिया में आप करवा रहे हैं अपना मेडिकल या यू नो एम्बेसी जहाँ पर है, तो अगर आप काफ़ी दूर रहते हैं तो फिर तो बेटर है कि आप पोस्ट करवा लें। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कलेक्शन करो, क्योंकि यू नो इतना अंदर क्या कहते हैं इंतज़ार का, मुझे तो इतना इंतज़ार हो नहीं रहा था भाई, जब मेरा मतलब पासपोर्ट आया था ना, वीज़ा आया था, तो मुझसे तो इतना इंतज़ार हुआ नहीं था। तो भाई आप कलेक्शन कर लें, वहीं पर जाके ले आओ, काम ख़त्म हो जाएगा आपका। तो अगर आपको प्रायोरिटी में फ़ाइल लगानी है, सुपर प्रायोरिटी प्रायोरिटी है, 1 दिन का 2 दिन का ऐसे टाइम होता है, उसकी फ़ीस अलग लगती है, लेकिन सब कुछ हो जाता है उसमें। तो जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा, और UK में क्या है कि 99% ऐसा होता है कि रिफ्यूज़ल नहीं आती है, 1% ऐसा हो सकता है आ सकता है अगर आपका लक ख़राब है तो, ना कहते नहीं है कि अगर किस्मत ख़राब है तो हाथी पे चढ़े को कुत्ता भी काट सकता है, तो वही उसका तो कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर 99% वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं आती है तो आप बस इंतज़ार करिए, आपका वीज़ा आ जाएगा, और उसके बाद आप आ जाएँ UK। तो UK के आने के बाद की जो भी प्रोसेस है आपको यहाँ पे आके पता चल जाएगी। बाकी आप मेरे वीडियो में देख लेना कि मैं कितनी डिप्रेस होकर जब वीडियो बनाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मत आओ, लेकिन आज मैंने एक वीडियो बनाई है ये वाली, जिसमें मैं कह रही हूँ कि चलो आ जाओ, क्योंकि मान तो रहने हो आप लोग ना, तो आ ही जाओ, मुझे क्या जा रहा है। तो बस यही थी आज की वीडियो में। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी बोला है मैंने। मैं बस यही था वीज़ा प्रोसेस 2023 का। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग गई, अब मैं जाती हूँ अंदर और मैं सो जाती हूँ। अरे रब्बा, सोऊंगी मैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, अगर आपको मेरा इतना जल्दी जल्दी बोलना पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, नहीं आया तो वो भी बता दो, वैसे बोलना मत ना इसे। चलो जी चलते हैं भाई, मुझे बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बस अब मैं जा रही हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।